सभी दरभंगा वासियों, मिथिलांचल वासियों, बिहार वासियों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी थोड़े देर पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से हमारी विस्तार में बातें हुई और मुख्य रूप से ये कोरोना वायरस पर हमारी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने उनको मैंने बिहार के अंदर खासतौर से दरभंगा में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में अवगत कराया और फिर बॉम्बे दिल्ली में किस तरह से बिहार सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है कोरोना वायरस से में जो वहाँ मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जो मदद हो रही है उसके बारे में बात हुई। मैंने खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे राशन कार्ड ऐसे हैं जो किसी टेक्निकल वजह से रुका हुआ है, बन भी गया है तो नहीं मिल पाया है और बहुत सारे लोग मजदूर ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और उनका राशन कार्ड नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसे सारे लोगों का इंतज़ाम होना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारी बातों को हमने पदाधिकारियों को बता दिया और इस पर जल्द एक से दो दिन में फैसला हो जाएगा, जिनका टेक्निकल वजह से राशन कार्ड रुका हुआ था वो भी मिल जाएगा, जो बन के रखा हुआ है वो भी मिल जाएगा और अगर किसी का बन सकता है तो वो भी बन जाएगा या फिर जो लोग बाहर से आए हैं उनका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ ही जो फंसे हुए मजदूर हैं दिल्ली के अंदर और बॉम्बे के अंदर उसका भी पूरा ख्याल किया जा रहा है। साथ ही हमने अवगत कराया कि हो सकता है कि जब पीक आवर पहुँचे तो हमें इक्विपमेंट, मास्क, दवाओं की ज़रूरत पड़े तो उसकी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने एश्योर किया कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी और हर तरह से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ के लोग, आम लोग जो दरभंगा के हैं वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। खुद से बताते हैं कि मेरे यहाँ कुछ लोग बाहर से आ गए हैं, खांस रहे हैं या बीमार हैं, तो जल्द से जल्द इनको समाज से अलग किया जाए, खानदान से अलग किया जाए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ इस अपने आपसे कि मेहरबानी करके अगर आपके ख़ानदान के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में कोई अगर इस तरह से बीमार है जिससे शक होता हो कि इनको कोरोना की बीमारी हो सकती है वायरस की, तो कृपया करके आप उससे खबर करें। और ये कोई सज़ा नहीं है कि आपको अलग किया जा रहा है, अलग करने से ख़ानदान के लोग, परिवार के जानने वाले सभी बचते हैं, सब बचेंगे और सबको इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा फिर से कि अगर कहीं पर भी शक शुभा किसी तरह की बात हो तो आप खुद से पदाधिकारी BDO को, CO को, दरोगा को, SP को, DSP को, DM को खबर करें ताकि ऐसे लोगों को हम लोग अलग करके इस कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकें। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों से कि आप इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है वो हर तरह के मदद के लिए तैयार है। आपको कभी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हो, आपको ज़रूरत पड़े, मेरा नंबर है 9958645596, आप इस पर मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूँगा और घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं है। साथ ही मैंने जो कल चिनिया और बिलासपुर के बीच में एक तकरीबन 70 करोड़ के पुल का निर्माण जो होना उसकी स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है, कैबिनेट ने कल इसको अपनी मोहर लगाई है, इसके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि इससे इस पिछड़े हुए इलाके को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा।
और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसके लिए वादा किया था, आज मेरा ये वादा पूरा हुआ। तो मुझे भी मुबारकबाद दिया उन्होंने, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि एज ए मुख्यमंत्री आपने 4-5 महीना पहले ही वादा किया था और उसको पूरा किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा किया। आप लोग सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। कोई गरीब है तो उसको आप अगर दे सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए। सरकार तो जो मदद है करेगी ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को, सोसाइटी को ले के चलें, खानदान के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले में कोई भूखा न सोए, कोई बगैर इलाज के ना रहे। आप सभी से ये निवेदन है, गुजारिश है कि आप सब एक दूसरे का ख्याल करें और इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पुल का निर्माण जो होना, उसकी स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है, कैबिनेट ने कल इसको अपनी मोहर लगाई है। इसके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि इससे इस पिछड़े हुए इलाके को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसके लिए वादा किया था, आज मेरा ये वादा पूरा हुआ। तो मुझे भी मुबारकबाद दिया उन्होंने, लेकिन मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि एज ए मुख्यमंत्री आपने 4-5 महीना पहले ही वादा किया था और उसको पूरा किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा किया। आप लोग सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। कोई गरीब है तो उसको आप अगर दे सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए। सरकार तो जो मदद है करेगी ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को, सोसाइटी को ले के चलें, खानदान के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले में कोई भूखा न सोए, कोई बगैर इलाज के ना रहे। आप सभी से ये निवेदन है, गुजारिश है कि आप सब एक दूसरे का ख्याल करें और इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।